Hey, this is Ankit Raj. Welcome to the YouTube channel StudyX IITJ. Trigonometric equation में हम topic discuss कर रहे हैं types of trigonometric equation. ठीक है ना? तीन types हमने discuss कर लिए हैं. Last type क्या था? Transformation formula पे based. Okay. आपको अगर सारे formula recall होंगे, तो आपको आसान लगा होगा. Okay. Last lecture number 4. Okay. ठीक है. वैसे मैंने recall कराए थे आपको formula. और ये टाइप 4 ये जी का फेवरेट है. ओके, आज हम टाइप 4 और टाइप 5 डिस्कस करेंगे. इसके बाद एक टाइप बचेगा टाइप 6, वो 10 मिनट करके अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. ओके, तो टाइप 4 है सॉल्विंग इक्वेशंस, ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ बॉन्डेडनेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आपको sin x cos x इन सब का रेंज तो मालूम है, नहीं भी मालूम है देखिए मैंने लिख रखा है कि sin x जो है वो -1 से 1 जाता है. ओके, cos x की भी मैक्सिमम वैल्यू या फिर cos x की औकात जो है वो -1 से 1 तक ही है, 1 से आगे वो नहीं जा सकता. ठीक है, उसके आगे उसी कोई भी अवकाश नहीं. tan x cot x का रेंज ऑल रियल है. ओके, ये आउटपुट वैल्यू में सारे वैल्यूज रिटर्न कर रहा होता है. वहीं cos x और mod sec x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि cos x या तो -1 से छोटा होगा, मतलब -1 से या तो लेस देन इक्वल टू -1 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ओके, और sec x भी सेम है, या तो लेस देन इक्वल टू -1 होगा, यानी -1 या -1 से छोटा होगा, या फिर 1 या 1 से बड़ा होगा. ठीक है, यही सारे पॉइंट्स को हम बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन कर रहे होंगे. आपके सामने चार क्वेश्चंस ये लिख रखे हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा. पांच क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, पांचों क्वेश्चन आप ढंग से देखना कर लेना, उसके बाद देखना जेके क्वेश्चन जो आप पुराने करोगे काफी आसान लगेंगे आपको, आप कर ले जाओगे आसानी से. ठीक है, पहले आप खुद से स्क्रीन पॉज करो और खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई करो. ऐसा नहीं, इसके लिए कोई आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जितना आता है उससे आप कर सकते हो ये क्वेश्चन. और बहुत आसान क्वेश्चन है, चार के चार आसान क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो आप. चलो स्टार्ट करते हैं. ये सॉल्व करना है इक्वेशन cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इक्वल्स टू 3. अब देखो cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1. आर्गुमेंट भले कुछ भी हो, आर्गुमेंट बदल जाए, x के जगह 2x हो या तुम 1 करोड़ x रख लो ना, फर्क नहीं पड़ता. इसका जो औकात होगा वो 1 से एक्सीड नहीं कर सकता, ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता. तो 3 होने के लिए तीनों को साइमल्टेनियसली 1 होना होगा, यानी x की कोई भी वैल्यू के लिए तीनों को 1 1 1 होना होगा. ओके, तो हमें इंटरसेक्शन लेना होगा. इसका जनरल सॉल्यूशन 1 cos 2x cos 1 का जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका निकालेंगे, उसका जो इंटरसेक्शन निकालेंगे यानी कॉमन वैल्यू जब साथ में तीनों वन हो रहा होगा. तो हम जानते हैं, तो यानी तीनों को वन होना होगा. हम जानते हैं cos x equals to 1, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, cos x कब वन हो रहा होता है, at x equals to 0, 2 pi, 4 pi, 6, यानी at x equals to 2n pi, तो यानी x equals to 2n pi. सिमिलरली यहां पे आर्गुमेंट क्या है, 2x, तो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा 2x equals to 2n pi, और यहां से आ जाएगा 3x equals to 2n pi, that means x equals to n pi और x equals to 2n pi by 3. ठीक, अब इंटरसेक्शन लोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा यही होगा, x equals to 2n pi. ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा, आप वैल्यू पुट करके देखो, 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi. ओके, यहां पे लो आप, तो 0 pi, 2 pi, 3 pi, 4 पाई. इसके लिए भी सिमिलरली करो, 0 2 पाई बाय 3, फिर हो जाएगा 4 पाई बाय 3, 6 पाई बाय 3, यानी कहूं मैं 2 पाई, सो ऑन जाएगा. ठीक है ना, अब देखो जब जब ये तीनों का वन हो रहा है 0 पे, ठीक, फिर देखो 2 पाई पे तीनों साथ में वन हो रहा है, बीच की जो वैल्यू है पाई या 2 पाई बाय 3, उस पर पाई पे ये तो हो जा रहा है वन, लेकिन ये नहीं हो रहा है. अब रख के देख लो ना, एट एक्स इक्वल्स टू पाई ये क्या हो रहा है, कॉस पाई माइनस वन. ठीक, एट एक्स इक्वल्स टू पाई ये क्या हो रहा है, कॉस टू पाई यानी वन, कॉस थ्री पाई माइनस वन. तो ये क्या हो गया, माइनस वन हो गया, लेकिन हमें चाहिए थ्री, यानी पाई पे नहीं हो रहा है, बस ये अकेला ही वन हो रहा है ना, ये दोनों नहीं हो रहे, लेकिन हमें क्या चाहिए कि तीनों साथ में वन हो रहा होगा. तो देखिए सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 2 पाई, फिर ऐसे ही 4 पाई 6 पाई भी आएगा, वो आगे अच्छे से करके आप देख लेना. तो इसका फाइनल जनरल सॉल्यूशन आ गया x = 2n पाई, फाइनल जनरल सॉल्यूशन इसका. ठीक है,
नोट कर लो, आराम से नोट कर लो। बताओ इस क्वेश्चन में कोई भी मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी क्या? तो ये मतलब लॉजिकल अप्रोच से भी अगर आप सॉल्व करना चाहोगे सॉल्व होगा, लॉजिकल अप्रोच ही तो अप्लाई करा है मैंने, इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं करा है अप्लाई। ठीक है, रब कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें एक आइडेंटिटी शायद आपको पता हो, वैसे मैं लिखवा देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ना, दैट इक्वल्स टू ए माइनस बी होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, तो साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स पे अप्लाई करो आप, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स क्या हो जाएगा? मुझे यही इक्वेशन सॉल्व करना है ना, तो साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या है, वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ये भी तो एक्चुअली वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स ही बन रहा है, तो ये कटे पीटेगा ना। और हम जानते हैं जब भी कैंसलेशन करते हैं तो हम एक रूट गायब हो रहा होता है जिसका हमें ख्याल रखना होता है अलग से, तो उसका ख्याल रख लेते हैं। ठीक है, जो भी होगा पहले हम जो भी इक्वेशन आ रहा है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, या फिर या तो सॉल्यूशन इससे आएगा या फिर आप जो सॉल्यूशन बचा उससे आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू वन। मैंने बताया था जब इसका कॉफिशियंट सिमिलर हो, ठीक है, मतलब या तो वन माइनस वन हो या फोर फोर हो, तब वन बाय रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिलियरी आर्गुमेंट टाइप टू, वन बाय रूट टू से मल्टीप्लाई कर दोगे बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन बाद में कहेंगे फिर से तुम्हें माइनस मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए शुरू में ही माइनस वन बाय रूट टू मल्टीप्लाई करते हैं ना। उससे होगा क्या, ये कॉस एक्स ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बनेगा। तो देखो क्या होगा, माइनस ठीक, कोई दिक्कत? अब माइनस माइनस प्लस कर लूं, कर सकता हूं ना। ठीक, अब बना कॉस एक्स कॉस 45, पाई बाय 4 रेडियन में अब लिखना सीखो, माइनस साइन एक्स साइन 45 साइन पाई बाय 4। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता था आप ये गलती करोगे, कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4। ठीक है ना, यहां पे लोग बात गलती करते जाते हैं, ठीक है, कि मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है तो वो एक्स माइनस पाई बाय 4 कर देंगे, लेकिन नहीं, आपको एक्स प्लस पाई बाय 4 करना है। फॉर्मूला याद है ना, कॉस ऑफ ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वही कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू, ये क्या है, माइनस वन बाय रूट टू का होता है, प्रिंसिपल एंगल में पूछ रहा हूं, एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 यानी 3 पाई बाय 4। ठीक, तो इसे सॉल्यूशन निकाल ही लोगे, cos x equals to cos alpha, तो x equals to 2n pi plus minus alpha, तो x plus pi by 4 equals to 2n pi plus minus alpha। ठीक है, pi by 4 को उधर ले जाके, ठीक है, जो भी आंसर निकालना होगा आप निकाल लेना, ठीक है, उतना तो आप कर ही लोगे। अब देखो इसे भी हमें सॉल्व करना है, तो sin x cos x equals to minus 1 equals to minus 1। ठीक है, जैसे हमें साइन एक्स कॉस एक्स दिखता है हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये क्या बना, साइन 2x इक्वल्स टू माइनस 2। क्या कभी भी x की तुमको जो मन में आए वो वैल्यू ले लो, कभी भी ये माइनस 2 हो सकता है क्या, ये माइनस 1 से छोटा नहीं हो सकता है, साइन x कभी माइनस 1 से छोटा नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली आर्गुमेंट भले ही तुम 2x कर लो ये माइनस 1 से छोटा तो नहीं होगा, तो यहां से हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा होगा। तो कई बार लोग अगर इसे नजरअंदाज भी कर दिए होंगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना, तो लोग क्या काटते पिटते टाइम इसको भूल जाते हैं, तो अगर आप भूल भी गए होंगे तो आपको आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसको तो आप सॉल्व कर लोगे ना, इससे क्या आ जाएगा,
प्लस जब सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस 5 आ जाएगा, सॉरी 2n पाई प्लस 5 बाई 2, और जब माइनस करोगे तो 2n पाई माइनस 5। ठीक है, कर लेना सॉल्व। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करो सॉल्व करो, रब करता हूं, जिनको नोट करना स्क्रीन पॉज करें और नोट कर ले। चलो क्वेश्चन नंबर 3, पूरा पहले ओपन कर लेके देख लेते हैं क्या आता है, पूरा ओपन करो। तो साइन एक्स कॉस एक्स बाय 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अभी क्वेश्चन बहुत ढंग से ऑब्जर्व करो, दो चीजें आपको ऑब्जर्व होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। देखा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स बाई 4। ठीक, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 2 कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी 1। ठीक है, प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, थोड़ा सा और ढंग से इसको अगर हम कह रहे हैं, 2 को राइट हैंड साइड लेके चले जाओ तो साइन 5x बाय 4 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये समझ में आया। अब 2 ये कब हो सकता है, जब ये भी 1 हो रहा हो ये भी 1 हो रहा हो तभी हो सकता है, यानी ये भी इक्वल टू 1 होगा और ये भी इक्वल टू 1 होगा। ओके, इतना पहले नोट करो, फिर हम रब करेंगे, फिर देखेंगे। अभी सॉल्व कर पाओगे, बस थोड़ा सा ढंग से यहां पे देखना है। ठीक है, यहां तक तो कोई भी कर लेता है, यहां से आगे ही बस थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल अप्रोच लगाओ, सॉल्व कर पाओगे आप। ये वाला पार्ट रब कर देता हूं, ठीक। दोनों 1 की इक्वल है तो साइन एक्स कब होता है 1 की इक्वल, वन कब होता है 4n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, ठीक ना, यहीं पे होता है ना 1, तो यहां से 5x बाई 4 आ गया, तो x क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 5 इंटू 4n प्लस 1। ठीक, दोनों साथ ही होना चाहिए साइमल्टेनियसली, फर्स्ट क्वेश्चन से देखो। तो cos x इक्वल्स टू 1 कब होता है, cos x 1 के इक्वल होता है 2n पाई पे। ठीक, तो यहां से इसके करेस्पॉन्डिंग आ गया x इक्वल्स टू 2n पाई। ओके, तो यानी ये मतलब इवन पाई होना चाहिए, इवन पाई होना चाहिए, तो इसको भी इवन पाई होना पड़ेगा, तो 2 पाई तो है, ठीक है, ये इसको इवन बना देगा। बस ये जो 4n प्लस 1 बाय 5 है ये एक इंटीजर होना चाहिए, जब जब ये इंटीजर होगा ये भी इवन पाई बनेगा, ये समझ रहे हो, ये इवन पाई है, ये इवन पाई पे 1 के इक्वल हो रहा है तो इसको भी क्या होना होगा इवन पाई, तो ये 2 तो है, 2 पाई तो है, इवन है, बस ये 4n प्लस 1 बाय 5 अगर इंटीजर हो जाए तो इंटीजर इंटू 2 हमेशा इवन होगा, तो 4n प्लस 1 बाय 5 इंटीजर कब होगा, जब ये 4n प्लस 1 5 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल कब होगा, या तो एंड में 0 है या एंड में 5 है, लेकिन एंड में 0 इसके नहीं आ सकता, क्योंकि एंड में 0 कभी भी 29 19 ये सब नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर 29 19 4 से डिविजिबल नहीं है तो उसमें 1 ऐड करने के बाद
30 40 ये सब नहीं आ सकता, तो यानी मुझे एंड में 5 मिलाना होगा, मतलब इस 4n plus 1 जो भी नंबर बनेगा उसके एंड में 5 मिलाना होगा, यानी 4n plus 1 क्या होना चाहिए 25 या फिर 15 35 इस टाइप का, यानी 4n होना होगा 14 24 34, लेकिन ये 14 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 4n 4 हो सकता है, 24 हो सकता है, फिर 34 नहीं हो सकता, 44 हो सकता है, और कब कब n equals to 1 पे, फिर ये 24 कब हो रहा है n equals to 6 पे, फिर 44 कब हो रहा है n equals to 11 पे, फिर ये 64 कब हो रहा है n equals to 16 पे, और हम यही सब नंबर n की क्यों ले रहे हैं, क्योंकि तब क्या हो रहा है, देखिए 1 पे ये 4 plus 1 5 upon 5 कट फिट गया, ये क्या हुआ 2π, फिर देखो 6 रखो 25 upon 5 5 into 2π 10π even π है, और इससे भी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है n equals to 5 रखने पे, अब देखो n equals to 11 रखो 45 या 45 बनेगा upon 5 9 into 2 18π obviously even π है, तो यानी n की इन सब वैल्यूज के लिए ना ये आ रहा है, ठीक है, तो n equals to 1 पे ये क्या बन रहा है 2π, सॉल्यूशन है हमारा, n equals to 6 पे ये क्या बन रहा है 25 10π, फिर n equals to 11 पे 45 9 into 2 18π, एक और देख लो पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे 16 4 64 165 upon 5 13 into 2 26π, अब तो आप मतलब nth टर्म इसका निकाल ही लोगे, जनरल सॉल्यूशन निकालना क्या है, nth टर्म सीक्वेंस सीरीज में इतना तो मैं सिखा ही दिया हूं, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको, ठीक, तो इसका अगर nth टर्म ऑब्जर्व करो तो ये क्या है 8n 8 का ही डिफरेंस बन रहा है प्लस 2π, 0 पुट करो 2π, 1 पुट करो 10π, 2 पुट करो 18π, अच्छा क्या इसके बीच में कोई भी हमारा सॉल्यूशन है, नहीं, क्योंकि बीच में अगर मान लो आप 4π लेते हो कि x cos 4π उस टाइम पे cos x तो 1 बन रहा है, ठीक है करेक्ट, लेकिन जब यहां पे 4π रखोगे तो sin 5π वो क्या बन जा रहा है 0, समझ पा रहे हो, ओके ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा 8n plus 2π करेक्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 करो, फिर हम एक और क्वेश्चन कराएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 4 करो, अब सॉल्व करो, मैं तब तक फिल कर लेता हूं, अब अटेम्प्ट करो, ओके 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 0, इसका क्या मतलब हुआ कि साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, अब देखिए ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और साथ साथ में लेस देन इक्वल टू 1 भी करेक्ट, और ये साइन एक्स क्या हो सकता है, ये माइनस 1 से 1 जा सकता है, ये कंडीशन है इस पे, अब माइनस 1 करने के लिए क्या हो सकता है, दो कंडीशन, या तो एक 1 हो जाए कोई और एक माइनस 1 हो जाए, ठीक करेक्ट, और दूसरा क्या है कि कोई एक माइनस 2 हो जाए और अगला माइनस 1 बाई 2 हो, यानी एक ग्रेटर देन उसका मॉड वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और एक 1 से छोटा हो, यानी एक माइनस 1 बाई 8 हो जाए तो दूसरा 8 हो जाए, यानी ये पॉसिबल है, कोई भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, तो यानी एक ही कंडीशन बचता है कि एक माइनस 1 हो और दूसरा 1 हो जाए, तो ये तो माइनस 1 नहीं हो सकता, तो जब माइनस 1 होगा तो साइन एक्स और इसको 1 होना पड़ेगा, यानी सॉल्यूशन क्या है साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 एंड साइन स्क्वायर x by 2 equals to 1 simultaneously. अब sin x minus 1 कब होता है? अब sin x minus 1 कब होता है? Minus 1 होता है sin at x equals to pi plus pi by 2 यानी 3 pi by 2, फिर 2 pi का और चक्कर लगाते जाओ plus 3 pi by 2 पे, ओके तो इससे तो आ गया x equals to 4n plus 3 pi by 2, ठीक, अब देखो जब ये minus 1 हो रहा होगा उस समय sin square x by 2 क्या हो रहा होगा, x 3 pi by 2, तो ये 3 pi by 4 बन रहा होगा, तो sin square 3 pi by 4 1 by root 2 का whole square यानी 1 by 2, तो ये तो 1 by 2 बन गया उस समय, यानी जब ये minus 1 बन रहा है तो ये 1 by 2 बन रहा है, ठीक है, जब जब sin x minus 1 बन रहा है तब तब sin square x by 2 क्या बन रहा है हाफ, ओके तो 1 तो नहीं बन रहा है,
यानी क्या किस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन आ सकता है? नहीं, नो सॉल्यूशन पॉसिबल। एक्स बिलोंग्स टू फाइव, नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करेंगे, फिर हम टाइप फाइव डिस्कस करेंगे। टाइप फाइव बहुत छोटा सा टाइप है, ओके, इंपॉर्टेंट है, उसमें बस थोड़ा सा एक दो पॉइंट मुझे समझाना है, बाकी तो पहले का ही है लॉजिक से। उसका टाइप सिक्स हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, 10-12 मिनट का एक लेक्चर रख लेंगे, 12-15 मिनट का, ठीक है, उसमें खत्म करेंगे, फिर मिक्स प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, और फिर एक लेक्चर में इन इक्वेशन। तो इस लेक्चर के बाद एक आएगा 12-15 मिनट का लेक्चर, और दो अच्छे लेक्चर आधे आधे घंटे के, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान। आप भी उधर मत देखो, पहले स्क्रीन पॉज करो और ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना। वो अगला छोटा सा टाइप है, बस एक दो कॉन्सेप्ट बताना है, उतने से ही काम चल जाएगा। अब ये करो, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पॉज कर लो और सॉल्व करो। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो ये किस केस में हो सकता है? या तो दोनों इक्वल टू 1 हो जाए, या फिर दोनों माइनस 1 हो जाए, ठीक, या फिर एक हाफ एक टू, या मतलब एक वन से छोटा एक वन से बड़ा, लेकिन वन से बड़ा इन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता है, तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया। तो हमें बस यही दोनों केस सॉल्व करना, और वो भी हमें 0 से 2π में ही चाहिए, ठीक है, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही चाहिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, ठीक, ये केस तो होगा नहीं, बस हमें ये दोनों सॉल्व करना। ठीक है, दो केस आया, एक की साइन एक्स इक्वल्स टू 1, कॉस वाई इक्वल्स टू 1, तो इस केस में साइन एक्स 1 कहां पे होता है? 0 से 2π में, बस पाई बाई 2। और कॉस वाई 1 कब होता है? एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 और वाई इक्वल्स टू, ये 1 कब होता है? 0 पे और 2π पे। तो यहां से दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए, एक आया पाई बाई 2 कॉमा 0, और अगला ऑर्डर पेयर आया पाई बाई 2 कॉमा 2π, ठीक। तो एक केस अभी और हमें सॉल्व करना है, वो केस है साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 और कॉस वाई इक्वल्स टू माइनस 1। तो साइन एक्स माइनस 1 कब होता है? एट एक्स इक्वल्स टू 3π/2, और कॉस वाई माइनस 1 कब होगा? एट वाई इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो यहां से एक ऑर्डर पेयर आ गया हमारा 3π/x को पहले लिखते हैं, ठीक ना, 3π/2 कॉमा पाई, ठीक है, आ गया ऑर्डर पेयर हमारा। इसके अलावा भी कोई ऑर्डर पेयर आएगा क्या? तो आंसर हो गया 3। नोट करो, फिर हम टाइप 5 देखेंगे, बहुत छोटा सा टाइप है। इसके बाद टाइप 6 भी एक्चुअली छोटा सा ही है, टाइप 6 भी अली डिस्कस कर दूं क्या? अली डिस्कस कर लेते हैं टाइप 6 भी। अब चलो समझते हैं टाइप 5। जब भी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर फाइव एक्स, ऑब्वियसली एफ एक्स और फाइव एक्स जो होगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, जैसे देखो 1 cos x और sin x। पहले ना रेडिकल लोग ऐसे डील करते हैं, उसका क्या कंडीशन होता है पहले वो अप्लाई करो। तो अगर रूट अंडर इसके अंदर कुछ भी है, एफ ऑफ एक्स है, चलो वहां पे फाइव एक्स है तो फाइव एक्स ही लेते हैं, फाइव एक्स है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा, ठीक है, जो ये रिजल्ट देगा बाद में, एक आउटपुट वैल्यू, वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो देगा, यानी नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो यानी ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो ये पूरा जो रूट अंडर फाइव एक्स है वो एफ एक्स के इक्वल है, तो हम ले लेंगे एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और हम जानते हैं इसके अंदर इसका डोमेन जो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी है ना, तो इसको हम कैसे, ये जो डोमेन होगा फाइव एक्स, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि रूट अंडर माइनस 9 ये सब नॉट डिफाइंड होता है, ये इमेजिनरी हो जाता है ना, क्योंकि इसी को हम आयोटा इंटू रूट 9 यानी आयोटा इंटू 3 कर रहे होते हैं, फिर आयोटा रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी क्वांटिटी, ठीक है, आयोटा इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी, ठीक है। और जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद आप स्क्वायरिंग कर सकते हो। अब स्क्वायरिंग कर लो एफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5x, और उसको फिर सॉल्व कर लो, जो सॉल्यूशन आएगा तीनों का, ठीक है, वही आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तीनों सॉल्यूशन जो आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना है, करेक्ट। चलो पहले आप सॉल्व करो, ठीक है, आप आराम से टाइम लो और सॉल्व करो।
तीनों कंडीशन यही सेटिस्फाई करा दो। क्या क्या कंडीशन है? साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका जो आउटपुट वैल्यू होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरा, जो रूट अंडर स्क्वायर रूट के अंदर होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो 1 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, अब स्क्वायरिंग कर लो, यानी 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब ये तीनों कंडीशन अप्लाई कर दो इसमें, तो बेसिकली क्या करो ना, इसको सॉल्व करो, पहले सॉल्यूशन आएगा उसमें जब जब ये दोनों साथ में सेटिस्फाई कर रहा होगा दोनों के दोनों, वो कंडीशन हम ले लेंगे। और ऑब्वियसली देखो 1 माइनस कॉस एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा, क्योंकि ये कभी भी 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता कॉस एक्स, एट मैक्स ये 1 के इक्वल होगा, उस टाइम पे 1 माइनस 1 जीरो हो रहा होगा। इसके अलावा कॉस एक्स की कोई भी वैल्यू लो तो वो 1 माइनस वो तो ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही निकलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू है यूनिवर्सली, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स तो हमेशा होता है। तो बस ये सॉल्व करो और उसमें जो सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन sin x greater than equal to 0 नहीं सेटिस्फाई कर रहा होगा वो हमारे सॉल्यूशन में नहीं आएगा, ठीक है, वो हमारे कोई भी काम का नहीं है, ठीक। सॉल्व करो, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, उसको क्या लिख दोगे? इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो ना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक। तो ये 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स निपट गया, लेकिन निपटते के साथ ये हमें एक सॉल्यूशन दे देगा, या तो 1 माइनस कॉस एक्स जीरो हो जाए, क्योंकि अगर ये जीरो हो रहा होगा तो 1 प्लस कॉस एक्स कुछ भी हो जाए ना, 1 2 कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी जीरो कर देगा, यानी सॉल्यूशन में आएगा, ये 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू जीरो सॉल्यूशन में आएगा। अब क्या बचा? 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1, यानी कॉस एक्स इक्वल्स टू जीरो, और कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 यहां से आए। अब क्या करो ना, 0 से 2 पाई में देख लो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है उसको कि नहीं, और जो जो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है उसको हटा दो, फिर जो सॉल्यूशन आएगा उसी को जनरलाइज कर देना। अब देखो कॉस एक्स जीरो कहां होता है, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे, यहां पे क्या साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है? इस पे तो 1 होता है, इस पे माइनस 1 होता है, यानी ये हमारे सॉल्यूशन से गायब हो गया। तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, यानी मुझे बस फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन एक्सेप्टेड होंगे, तो ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है। अब कॉस एक्स इक्वल टू 1 कब होता है? एट एक्स इक्वल टू 0, वहां पे साइन एक्स 0 के इक्वल होता है, यानी ये सॉल्यूशन भी एक्सेप्टेड होगा, यानी 0 वाला सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है और पाई बाय 2 वाला एक्सेप्टेड है। तो हर साइकिल में एक्सेप्टेड सॉल्यूशन होगा ये, यानी एक तो आ गया 2n पाई और एक आ गया 2n पाई प्लस पाई बाय 2, या फिर इसी को हम 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 भी कर सकते हैं, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 करो या 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 करो, एक ही बात है। तो दोनों हमारा सॉल्यूशन हुआ वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो आज का लेक्चर समाप्त होता है, ओके, एक बचता है टाइप 6, उसके बाद हमें मिक्स प्रॉब्लम्स देखने हैं पूरा लेक्चर, ठीक है, उसमें जेई के पुराने क्वेश्चंस देख लेंगे और फिर उसके बाद इन इक्वेशन देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन एक लेक्चर वो, और फिर जे एडवांस जेई मेन का एक, ठीक है, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम देख लेंगे एक लेक्चर में, और जो एक हमारा छठा टाइप बचता है ना वो यही लेक्चर नंबर जो हमारा 5 है, 5B, उसे नाम दे दूंगा, ओके, 8 से 10 मिनट का लेक्चर होगा, उसे भी देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेकिन वो टाइप 6 इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टाइम है वो भी, ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, एंजॉय लाइफ।